हेलो रिवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में तो हम डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे अबाउट द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की मेडिकेशंस की जो यूज़ होते हैं टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर कि जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है कंपेयर टू द नॉर्मल तो ऐसे कंडीशन में जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती है उनको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो ये मेडिकेशन का जो डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन से मेडिसिन होते हैं ये क्लास के ड्रग कैटेगरी के अंदर ये सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स फा। थैंक यू फॉर बींग वन लेक फैमिली ऑफ फार्म तो अब समझते हैं हाइपर के बारे में तो सबसे पहले हाइपर क्या है वो पता होना चाहिए आपको कि जिससे आप ये क्लास के मेडिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी कर सके तो हाइपर मतलब कि प्रॉब्लम ऑफ ए हाई ब्लड प्रेशर कि जब किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल के कंपेयर में काफी हाई रहता हो तो यहाँ पे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो देख सकते हैं कि जिसके रेंज हम कहते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और जो डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 होता है तो दैट वाज द नॉर्मल बट उससे काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर तो उस वो कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन तो हाइपरटेंशन आल्सो ऑल्सो नॉन एज ए हाई ब्लड प्रेशर एंड इट इज़ ए लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीसन इन विच ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज़ परसिस्टेंटली एलिवेटेड कि जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है तो ये कंडीशन को ट्रीट करना बहुत ही जरूरी है और उसके लिए जो मेडिकेशन यूज होते हैं उनको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कंप्राइज द सेवरल क्लासेज ऑफ कंपाउंड विद द थेरापटिक इंटेंसन ऑफ प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग और ट्रीटिंग द हाइपर टेंसन हाइपर टेंसन की जो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो उसको हम तीन तरह से मैनेज कर सकते हैं पहली चीज़ तो हम ये कंडीशन को कर देते हैं कंप्लीटली प्रिवेंट करते हैं दूसरा ऑप्शन रहता है कि उसको कंट्रोल में रखना कि जब आपका प्रॉब्लम है बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर की तो आपका ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में रखें और तीसरा हमारे पास मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है कि उसको अच्छे से ट्रीट कर दें कि जिससे जो ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए तो मेनली उसके ट्रीटमेंट के लिए कंट्रोलिंग के लिए और प्रिवेंशन के लिए जो हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड सिंपली मेडिसिन विच आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर आर कॉल एंटीहाइपरटें तो आप जानते हैं उसके डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासीफिकेशन एज वेल एज कौन से उसके एग्जाम्पल्स वगैरह है तो सबसे पहले जो डायरेटिक्स कि जिनको हम कहते हैं वाटर पिल जिनको हम कहते हैं वाटर पिल्स तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप वो लेक्चर पूरा अटेंड कर सकोगे कि वाटर पिल्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर बनाया था हमने डायबिटिक्स के ऊपर और उसमें भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था उस वक्त भी कि डायबिटिक्स जो ऐसे है कि जो हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं और उसके अंदर भी जो थाजेड डायबिटिक्स के लाइक हाइड्रोक्लोरोसिड है उसके अलावा क्लोरथैलीडोन है इंडापेमाइड है हाई सेलिंग डायबिटिक के अंदर जो फ्यूरोसामाइड करके ड्रग है एंड मतलब के प्लस मतलब कि पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक के अंदर स्पायरनोलेक्ट्रॉन लोराइड वगैरह भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ ए हाई ब्लड प्रेशर तो ये ऐसे क्लास के मेडिकेशन से कि जो यूज होते हैं टू ट्रूट हाइपर और वो है एक टाइप के डायोरेटिक्स कि जिसको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरोड का मार्केटेड फॉर्मुलेशन की जिसकी स्ट्रेंथ है ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम जी तो ये डायबिटिक्स में से ये काफी ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है टू तो ट्रीट हाइपर उसके अलावा नेक्स्ट हम देखें क्लास तो दे वो है एसी ही इन्हीबिटर्स एसी ही मतलब कि एनजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एनजाइम इन्हीबिटर मेडिकेशन and they help in relax your veins and arteries to lower your blood pressure. के blood pressure increase होने का एक reason ये भी होता है कि जो blood vessels वगैरह होती है वो क्या हो जाती है contract हो जाती है तो जरूरी होता है उनको relax करवाना तो ऐसे ही नहीं बेटर ऐसे मेडिकेशन है ऐसे मेकेनिज्म एक्शन पे वो काम करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स की जो आपकी vein है या फिर artery से उनको करते हैं रिलैक्स और जब आर्टरीज़ और वेन रिलैक्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है और उसके जो फेमस एग्जाम्पल हम देखें तो जितनी भी ये एप्रिल वाले या फिर प्रिल वाली मेडिकेशंस होती है लाइक कैप्टोप्रिल है एप्रिल है लिसिनोप्रिल है फिर पेरिंडोप्रिल, रामीप्रिल फॉसिनोप्रिल ये जितनी भी प्रिल वाली मेडिकेशन से वो सब कही जाती है ए ही इनहिबिटर की जो यूज़ होती है एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो एनल का मेलेट का फाइव एम जी का आप टैबलेट देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ है सिर्फ फाइव एम जी की कैप्टोप्रिल आप देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ है ट्वेंटी फाइव एम जी और ये सभी मेडिकेशंस रहती है आर एक्स ऑनली प्रिस्क्रिप्सन बेस मेडिकेशन रहती है इसी इनिबिटर का भी डिटेल फुल वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में जो आई बटन में आएगा वहां से देख सकते हैं तीसरा जो यहाँ पे क्लास है वो है एंजियोटेंसिन एटी वन रिसेप्टर ब्लॉकर तो ये मेडिकेशंस एटी वन जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करती है और उसके जो एग्जाम्पल है लोसार्टन है कैंडे सार्टन है हिरबेस आर्टन वालसार्टन एंड टेलमेस तो जितने भी ये सार्टन वाले मेडिकेशन है पीछे देखिए आप सभी के पीछे लग रहा है ये सार्टन तो जो स्टूडेंट एमसीक्यू रिलेटेड प्रिपेरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट तो रहेगा वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी क्या आपको ये याद रखना है कि जितने भी सार्टन से वो एटी वन रिसेप्टर की जिसको ए फॉर एनजीओ ए फॉर एनजीओ एंड टी फॉर टेंसिन टी फॉर टेंसिन तो इस तरह से ए टी एनजियोटेनसिन रिसप्टर ब्लॉकर्स ये बनती है जिसके यहाँ पे हम देख एग्जाम्पल देख सकते हैं कि टेलमीसार टन की जो यूजअली स्ट्रेंथ उसकी रहती है 40 एम का मार्केटेड फॉर्मुलेशन रहता है लॉसार आप देखो तो यूजअली उसका 50 एम का मार्केटेड फॉर्मुलेशन आता है वालसार के अंदर हम देखें तो के कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं और उसका जो डोज है कितने टाइम लेनी है वो डिपेंड होता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर तो बेस ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिजिसियन बिकॉज दे ऑल आर आर एक्स ऑनली प्रिस्क्रिप्शन बेस मेडिकेशन की यहाँ पे आर एक्स देख सकते हैं यहाँ पे भी आर एक्स दिज ऑल आर द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स चौथा क्लास है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर तो डायरेक्ट रेन इनहिबिटर के अंदर जो मेडिकेशन वो है एलिस किरेन है इसका भी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हैं फार्मारोक्स की यूट्यूब चैनल पे तो रेनिन इनहिबिटर्स आर ए ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूज प्राइमरली इन ट्रीटमेंट ऑफ एसेंशियल हाइपर एंड दिस ड्रग्स इनहिबिट द फर्स्ट एंड रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ रेनिन इन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की जिसको हम कहते हैं आर सिस्टम रास सिस्टम भी उनको कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ एनजियोटेसिन एनजियोटेन्सिनोजन टू एनजियोटेन्सिन वन तो जो फर्स्ट एंड रेट लिमिटिंग स्टेप होता है रास सिस्टम का उसको इनहिबिट करने का काम करती है जो कहते हैं कम कि एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन वन का जो फॉर्मेशन होता है उसको इनहिबिट करने का काम करती है यह मेडिकेशन और उसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एलिस की, की जिसकी स्ट्रेंथ होती है यूजली 120 150 वन के टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं तो ये है फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर टू ट्रीट हाइपरटेंशन और ये है एंटी हाइपर ड्रग्स फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं जिसमें वेरापिल है कि जिसकी यूज स्ट्रेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्टी एम स्ट्रेंथ में उसके मार्केटेड फार्मुलेशन रहते हैं एंड इट इज ऑल्सो आर एक्स ऑनली फिर डिल्टी एज के टैबलेट्स आते हैं निफेडिपिन एस पर आई पी टेन एम का टैबलेट आप देख सकते हैं निफेडिपिन का कि जो सस्टेन रिलीज टैबलेट है उसके अलावा फैलोडिपिन रहता है एम्लोडिपिन रहता है न्यूट्रेन डिपिन रहता है एंड लेसिडिपिन इवन एम्लोडिपिन का एटेनोलॉल की जो बीटा ब्लॉकर है उसके साथ भी कॉम्बिनेशन रहता है टू तो ट्रीट हाइपरटेंसन तो ये थे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग सिक्स है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स एज अ एंटी हाइपरटेंसिव कि जिसके अंदर प्रोप्रानोलॉल मेटाप्रोलॉल एटेनोलॉल ये तीन काफी फेमस है कि जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं टू तो ट्रीट हाइपरटेंसन तो एटेनोलॉल के 25 फाइव के टैबलेट आप देख सकते हैं मेटाप्रोलॉल की जो उसकी स्ट्रेंथ है अराउंड 50 एम एंड प्रोप्रानोलॉल कि जो है उसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं फोर्टी एम के अंदर तो ये अलग अलग जो मेडिकेशंस की जो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हम कहते हैं वो भी प्रिस्क्राइब की जाते हैं एज एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग नेक्स्ट है अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक कि जिसके अंदर एग्जांपल है ले बेटा लॉल तो ये दोनों ऐसे हैं कि जो दोनों अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं एड्री दोनों को ब्लॉक करके अपनी इफेक्टिवनेस देते हैं और इनके एग्जाम्पल है ले बेटा लॉल कि जिसकी स्ट्रेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं हंड्रेड एम जी एंड सेकेंड यहाँ पे एक फॉर्मुलेशन देख सकते हैं कार्बेडिल के जो टैबलेट एस पर आई पी एंड उसकी जो आप स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं तो कार्वेडिलॉल एंड लेबेटालोल उसके बाद आप देखिए अल्फा कौन ली तो जिसके अंदर है प्राजोसिन है टेराजोसिन डॉक्साजोसिन एंड फेंटोलामाइन एंड फिनोक्सी बेंजामाइन तो ये फिनोक्सी बेंजामाइन फेंटोलामाइन और ये त्रीन के पीछे लगता है जोसिन तो प्राजोसिन के जो टैबलेट देख सकते हैं सिर्फ फाइव एम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं और वो है अल्फा अल्फाइडर्जी ब्लॉकर्स एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नेक्स्ट है सेंट्रल सेम्फेथोलाइटिक्स तो कि जिसके अंदर है क्लोनीडिन है मिथाइल डोपा है तो ये दोनों यूज होते हैं एज अ सेंट्रल सेम्फेथोलाइटिक तो के तौर पे टू तो रिड्यूस द ब्लड प्रेशर और वो हाइपरटेंसिव ड्रग्स के लिस्ट के अंदर नंबर नाइन में यहां पे हम स्टडी कर रहे हैं तो क्लोनीडिन के जो टैबलेट सिर्फ पॉइंट वन एम जी स्ट्रेंथ देखे उसकी सिर्फ पॉइंट वन एम जी के अंदर भी वो अपनी इफेक्टिवनेस देती है और ये टू फिफ्टी एम जी के टैबलेट्स कि जिनको सेंट्रल सिंपेटोलाइटिक्स कहा जाता है टेंथ जो ऑप्शन है वासोडाइलेटर्स का जिसके अंदर आर्टेरियोलर हम कहें तो हाइड्रोलीजिन है मीनोक्सीडील है तो हाइड्रोलिजिन के ये टैबलेट्स देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ 25 फाइव में हम यहाँ पे देख सकते हैं फिर डायजोक्साइड है एंड आर्टेरियोलर एंड वीनस दोनों को डायलेट करने वाले ये से सिर्फ आर्टेरियोलर डायलेटर और नीचे के जो एग्जाम्पल है दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कि जो इंजेक्शन फॉर आईवी इन्फ्यूजन ओनली सिर्फ इंट्रावेनस ये इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट्स को और यह है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आर्टेरियल प्लस वीनस डायलेटर की जो वास्तव डायलेटर जो हम कहते हैं वो कैटेगरी में पड़ता है यूज होता है तो ट्रीट हाइपरटेंशन तो आर्टेरियल्स क्या होते हैं तो स्मॉल डायमीटर ब्लड वेसल कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्टरी, आर्टरी में से निकलने वाले आर्ट्रियल और वेन में से निकलने वाले वेन्यल फिर आगे जाके उनके ये छोटे छोटे कैपेलरीज होते तो जब ये हो जाती है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है कंस्ट्रिक्ट होना या फिर उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो उसके कारण जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो टारगेट ये होता है तो उनको या फिर कंस्ट्रिक्ट होने से रोका जाए और सामने हम कर सकते हैं उनका डायलेशन तो डायलेशन करने के लिए जो मेडिकेशंस होती है तो ये वासोडाइलेटर्स यूज किया जाते हैं कि जो डायलेट करके ब्लड प्रेशर को कर देगी रिड्यूस और कही जाती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर ऑन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो लेक्चर ऑन एंटीहाइरटेंसिव ड्रग्स ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो यूज द फार्मारॉक्स चेक द लिंक फॉर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट